अगर आपके पेट की जठराग्नि ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक फायर ठीक नहीं है, तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता। हम आपको बताते हैं कैसा नुस्खा जो आपके मेटाबॉलिक डाइजेशन फायर यानी जठराग्नि को 2 दिन के अंदर ठीक करके आपको डाइजेशन को वर्ल्ड क्लास कर देगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो डाइजेशन वीक है वो स्ट्रांग कैसे हो। आपका डाइजेशन साथियों तब स्ट्रांग हो सकता है तो जब आप आयुर्वेद के हिसाब से जो आपके पेट की जठराग्नि होती है यानी मेटाबॉलिक फायर होती है, वह जब सही से इग्नाइट होगी, आपका जो जठराग्नि है वो ठीक होगी, पेट में पित्त ठीक होगा, तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक हो जाएगा। आज हम बताएंगे आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा साथियों, बहुत आसान नुस्खा जो आपके पेट की यह जो मेटाबॉलिक फायर है इसको बढ़ा देगा और आपका ये जो एसिडिटी, जलन, खाना डाइजेस्ट ना होना, इनडाइजेशन हर समय बने रहना, यह सब समस्या होती हैं, यह सिरे से दूर हो जाएंगे। बहुत ही अचूक नुस्खा है साथियों ये, और बहुत आसान है। आप इस नुस्खे को करें और देखें कि कैसे आपके पेट का डाइजेशन बिल्कुल टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास हो जाएगा, वो भी बिना किसी विशेष प्रयास के। इसके लिए साथियों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम आपको बताते हैं वो नुस्खा जो आपके पेट के जठराग्नि को यानी कि मेटाबॉलिक फायर को यानी कि एसिड जो सिक्रीट्स होते हैं वाटर स्टमक में जूसे सिक्रीट होते हैं उनके बैलेंस को सही करके आपको डाइजेशन को वर्ल्ड क्लास कर देगा। आपको इसके लिए साथियों आधा नींबू लेना है, आपको अदरक का जूस लेना है, आपको नमक लेना है, नमक यानी रॉक सॉल्ट सेंधा नमक, और आपको शहद लेना है। सबसे पहले साथियों आपको वाटर लेना है। वाटर में आपको पानी को पहले आप थोड़ा सा वाटर लीजिए, 1 गिलास वाटर लीजिए, उसमें आप अदरक को स्क्वीज कर लीजिए, प्रेस करके उसका जूस निकाल लीजिए, उस जिंजर का जूस जो है वो आप उस वाटर में डाल लीजिए और उसमें आप 2 चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिए, उसको आप बॉईल कर लीजिए। जब वह बॉईल हो जाए तो उसको थोड़ा रख दीजिए, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें आप लेमन को स्क्वीज कर लीजिए और शहद को डाल दीजिए और खाने के 15 मिनट पहले आप इस पानी को पी लीजिए, यानी कि अदरक, नींबू, शहद और सेंधा नमक, इसके कॉम्बिनेशन का यह पानी आप 15 मिनट पहले खाने से पी लीजिए। आप उसके बाद खाना खाइए, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन इतना वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास हो जाएगा कि आपको आनंद आ जाएगा, आपके शरीर को आनंद आ जाएगा और आप कहीं रोज़ रोज़ की जो ये कैप्सूल खाने की समस्या शुरू होती है जड़ से, सिरे से खारिज हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। आप इस नुस्खे को करिएगा साथियों और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको यह नुस्खा कैसा लगा या कितना कारगर रहा आपके शरीर पर। मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का उचित और संतोषजनक जवाब दे सकें। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।